बाय बाय। सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उप करते हैं आप लोग अच्छे में अच्छा रहना। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज है जीजू का बर्थडे, और जैसा आपने प्रीवियस ब्लॉग में देख लिया होगा, हमने केक ऑर्डर करने के लिए दे रखा था। 7:30 बजने वाला है, तो मेरे हिसाब से शॉप बंद ना हो जाए, क्योंकि आजकल ठंडा है ना, तो लोग जल्दी जल्दी शॉप बंद कर देते हैं। अज्जू भाई भी जा रहे हैं हमारे साथ फुल पावर, और रॉबिन भी जा रहा है, उसका तो ब्लॉग बन रहा है। हम दोनों जहाँ भी जाते हैं भाई साथ में ब्लॉग करते हैं, मतलब सिमिलर रहते हैं हमारे ब्लॉग, बट जो ब्लॉग बनाने का स्टाइल है दोनों का अलग अलग है, उसका अलग है मेरा अलग है। हम जा रहे हैं, जो भाई सैंड सुन लगा रहे भाई फुल पावर। तो हम एक महीने से नहाते नहीं, ऐसा था परफ्यूम वगैरह लगा लो मस्त तरीके से, और महके रहो। फिलहाल हम जल्दी निकल रहे हैं, ऐसे काफ़ी लेट हो चुका है ना। तो गाइस, हमारा सारा काम निपट चुका है, और यहाँ का तो डन हो चुका है, यहाँ लाइट ऑफ कर देते हैं। अजू भाई, चार्जर वगैरह रख दिया आपने? जैकेट डाल दिया यार, काफ़ी ठंडा हो रहा है बाहर, तो एक स्वेटर डाली, एक जैकेट डाली। मत कर भाई, हम मुँह पे कर डाला तो ना, मैं कपड़े पर डाल रहा था। ठीक है भाई, ऐसे ही होता है, मैंने बताया था ना, दो तीन महीने से नहीं नहाते ना, तो ऐसे डालना पड़ता है। लाल निकल रहा है अपने जैसा, समझ रहा मेरे बाल देखो, आज ही नहाया हूं मैं। आज दिख रहा है भाई सबको पता है भाई, जितने भी ब्लॉग देख रहे होंगे ना, उनमें से कम जो मेरे दोस्त लोग होंगे उनको तो पता ही होगा। सब रेडी हो गए ना? सबसे पहले पूछो डिम्पल से, वो तो खुद ही नहीं आती। ब्लॉग देख रही है, मेरे को गालियां पड़ने वाली है। फटाफट आई एम एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट ब्लॉग। भाई साहब, अपनी पब्लिक भी ना भाई अब ऐसी बनी है ना, एकदम मस्त, जो ब्लॉग देखती है वो भी एक घंटे में इतने अब अच्छे व्यूज आते हैं ना, इतने अच्छे भी नहीं बोलेंगे, बट जितना मैं सोचता हूँ उससे काफी अच्छा बोलता है। तो गाइस, हमारे पास है निंजा H2, फटाफट चलते हैं तीनों भाई निंजा H2 का। चाबी कहाँ है इसकी? फटाफट दे, तू चला रही है क्या? चलाऊँ तो अब हर बारी की तरह हमें चलाना पड़ रहा, फिलहाल इस पर पेट्रोल भरना है, वो भी पेट्रोल कितने का है भाई? इस पर भरा दे भाई, अगर निंजा H2 है तो 4-5 हज़ार का। बस तो हम यहाँ से निकल रहे, पहले पेट्रोल पम्प भी चल रहे, पेट्रोल भरवाना ना। तो गाइस, हम फ्यूल स्टेशन में पहुँच गए, और यहाँ से फ्यूल भरवाते हैं। तो गाइस, यहाँ से पेट्रोल भरवा लिया है, फिलहाल जा रहे हैं हम जहाँ से हमने केक ऑर्डर किया ना, वहाँ चलते हैं और वहाँ से केक उठाते हैं। तो गाइस, हम सरस्वती बिहार में पहुँच गए, ये शॉप थी वो सरस्वती बैकर नाम, यहाँ पे हमें काफ़ी डिस्काउंट मिल गया केक, फिलहाल अंदर चलते हैं और वहाँ से केक लेते हैं। तो गाइस, हमारा फाइनली केक रेडी हो गया, और यहाँ से चलेंगे, ये वाला हम कारी चौक ले जाएंगे। क्या देख रहा है रंगर? क्या देख रहा है तू? ये वाला तो बोला था, केक बताना कैसा लगा गाइस। ठीक है, सोच रहे कि ये वाला भी ले जा देते हैं, क्योंकि जीजू का बर्थडे तो धमाका तो होना चाहिए। तो यार, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी ये शॉप, मतलब काफ़ी डिस्काउंट दिया भैया ने। यहाँ देखो, हम चाबी यहीं भूल गए थे, स्कूटी पहले आ देता, और ना भैया ने जुगाड़ करके दिया है ऐसे अखबार में, क्योंकि डबल मंजिल का केक है ना, केक हमने आगे रख दिया है, क्योंकि केक ना सेफ होना चाहिए, अगर भाई इधर उधर हुआ ना तो केक अजीब सा हो जाता है, और मतलब दिखने में अजीब सा होता, फिर मज़ा नहीं आता ना। वो फिलहाल हमसे निकल रहे हैं, और ये वाला बड़ा कंटिन्यू करते सीधा जीजू के साथ। चलो चलो रुक जा। तो गाइस, हम पहुंच गए, और ये रहा रोहित। ये गाइस, हम पहुंच गए, और जब हम आए हैं हल्ला ना होता, ऐसा हो नहीं सकता, सबको अंदर पता चल गया होगा हम आ चुके हैं, बस हमारा केक खराब नहीं होना चाहिए भाई। गुड न्यूज़, हमारा केक निकाल, थोड़ा देर, आई होप यार केक सेफ हो और सब फुल पावर होगा। चाय भी निकाल ले। तो गाइस, हम पटेल नगर में आ गए, और यहाँ देखो भाई, इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, डेकोरेशन वाले लेट हैं। बोलो, राहुल तक ने भी नहीं किया। क्या नाम है? राहुल क्यों नहीं किया पहले? हम आए हैं, अब हम सबको साथ में मिलके करना पड़ेगा कंप्लीट। जी जो अभी दूसरा वाले रूम पे है, भाई रॉबिन में ज्यादा होगा ना, रॉबिन मार सकता फुल पावर। अब हम तो कर ही रहे हैं, खुद बैंकर बैठा हुआ बस। और हम अपने जीजू से मिलवाते हैं जिनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे जीजू इन एडवांस, थैंक यू सो मच। वही वैसे जीजू का बर्थडे कल है, बट मनाएंगे हम आज, क्योंकि कल जीजू ड्यूटी पे चल जाएंगे ना, मतलब पहला बर्थडे या दूसरा बर्थडे। पता ही नहीं था मुझे कि आज बर्थडे भी मना रहे। मुझे तो अभी पता चल रहा है सब लेके आ रहे हैं। तो अभी फटाफट से काम चल रहा है यहाँ पे, सारा काम निपटाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। देखो मुझे क्यूब का टूट गया। ओ भाई, किसने तोड़ा है? तो गाइस, जब तक वहाँ प्रिपरेशन चल रही है, मैं सोच रहा कि तब तक ब्लॉग अपलोड कर देता है, और मैंने आज ब्लॉग बहुत लेट में अपलोड किया, क्योंकि वहाँ टाइम मिला नहीं, और यहाँ वाईफाई है, तो मैं सोच रहा यहीं ब्लॉग अपलोड कर देता हूँ,
मैंने व्लॉग अपलोड करने पे लगा दिया, अभी बता रहा 18 मिनट, और अंदर का सीन बताता हूँ आपको। अंदर अभी डेकोरेशन चल ही रही है, हम तब बताएंगे जब पूरा सज धज जाएगा ना मस्त तरीके से। फिलहाल जिनका बर्थडे वही सजा रहे हैं। भाई मेरे को देखो शर्म आ रही है डेकोरेशन करना चाहिए था। मैंने आपको ना एक डायलॉग सुनाएगा, कहाँ से सीखा आपने? दीदी का नाम आर हमारे साथ आर भी कैसे हो? और आपका नाम क्या है? रोहिला। अच्छा आप व्लॉग देखते हो हमारे? हाँ जी। कैसे लगता है आपको? बहुत अच्छे। बोलते हैं रोहित रावत व्लॉग आ जाता है। ना ये रेड रेड क्यों निकलता है? ये होती है लाइट ब्लिंक होती ताकि चल रहा है ये। अभी बर्थडे से पहले चल रहा है फोटो शूट, और भाई जो सजा रहा है ना सच में यार इतना प्यारा सा लग रहा है। अरमान कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा मामा। हाँ? मामा आप ना अच्छा चांद वाला गाना लगा दो स्पीकर में, इसके बाद पक्का बोल दिया दीदी। और कैमरामैन रॉबिन, कैमरामैन अंजू भाई के साथ फोटो खींची जा रही है मस्त वाली जी। आपको कैसा लग रहा है? आपको इतना अच्छा सरप्राइज दिया आपकी वाइफ ने। सोचा नहीं था यार मैंने, मुझे तो पता ही नहीं था, मतलब कुछ अचानक से मिला सब कुछ। छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फोटो तो खींचनी है इधर। ये भाई ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अब बांटो भाई सबको, अब हमारा हो गया, अब तुम बांटो, अब तुम्हारा क्या? आरु को सबसे ज्यादा दूंगा। आरु खा ले बेटा, एक मामा खा ले। बिल्कुल मेरा नाम खा ले, मेरा नाम लिखा हुआ है। अबे अरमान मत रोहित, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू रोबिन, हैप्पी बर्थडे। इन एडवांस ऐसे नहीं कल एडवांस बर्थडे। थैंक यू भाई, वेलकम। हटने तो गाइस ये हमारे ससुर जी। आप वीडियो वाले भी हो? किस में आऊंगा? यूट्यूब में। अरे और निकाल, और निकाल, ये ध्यान नहीं ये जमाना आपके एकदम वो है। तने लपड़ में थोड़ा बर्थडे करोड़ को लोगों को सर तो गाइस जिनको नहीं बताया ये हमारे ससुर जी, और वहां पे अरविंद जी खड़े हो रखे हैं। फोटो की चाहिए, अब हमारी बारी आ गई है। हेलो भाई सामने जरा फोटो, सामान हट जा मेरे को। छह फोटो मैंने फोन मार रहे दीदी, एक काम करना है, ठीक है? मुझे पकड़ना है। नहीं नहीं कैसे दो? ये जो एक ऐसे ऐसे मैं पढूं।
हमारा टर्न खत्म हो चुका है, अब हम दूसरे को टर्न देते हैं, अब दूसरे फोटो की जाएंगे क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं ना काफी लोग। तो अब है रॉबिन और अज्जू भाई की बारी, और मुझे पता था कि मेगा दी का बहुत मन कर रहा था फोटो खिंचाने का, तो मेगा दी नहीं पा रही थी, मेगा दी बस मौका ढूंढ रही थी फोटो खिंचाने का, नहीं मेगा दी। अरे और ऐसे जीजू के बर्थडे के लिए अभी ना 2 घंटे 24 मिनट बचे हैं, बट हमने एडवांस में मना लिया। पहली बारी जिंदगी में बोल सकते हैं मेगा दी ने कुछ अच्छा काम किया है। बहुत ही बड़ा अच्छा काम है, बहुत जिंदगी भर याद रखूंगा। इसका व्लॉग ही बन चुका है तो जब मर्जी तब देखो वाला सीन है, नहीं मेगा दी जिंदगी भर याद रखूंगा। अब आए ना लाइन पे, तो अब हम अच्छी अच्छी फोटोज खींचेंगे फुल पावर एकदम। चलो भाई पोज मारो फटाफट, 1 2 3 स्कैम हो गया, मेगा दी की बेइज्जती हो गई। मुझे बताया नहीं, अभी मुझे बताया नहीं भाई। हैप्पी बर्थडे हरवी, थैंक यू सो मच। हो गया भाई, सिखाना पड़ रहा मेगा दी, मतलब 18वीं सदी की है भाई साहब। सब फोटो देख, ये रैंडम क्लिक देख हमको कौन बोलेगा थैंक्स, किस बारे थैंक्स हमको भी बोलना पड़ेगा। ऑल ऑफ थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स, बोलना पड़ेगा वेरी वेरी, बहुत ज्यादा हम बेशरम है, हमसे बोल रहे हैं वो थैंक्स बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच अरविंद के बर्थडे में आने के लिए, वेलकम मेरी तरफ से। सुबह चला जाएगा? हां यार आज का डेकोरेशन भाई मैंने एक भी हेल्प नहीं करी है क्योंकि मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, तो ये सारा डेकोरेशन का क्रेडिट जाता है अज्जू भाई पे, थैंक यू सो मच भाई। और इनकी हेल्प करी है थोड़ा बहुत रॉबिन ने, बट भाई हेल्प हो छोड़ो पहले खा लो भाई। दोस्तों तो ऐसे हो भाई जो कभी भी कहीं भी आपको फुल सपोर्ट करे, बट ये डेकोरेशन कसम से यार दिल छू लिया इसने, छोटा है बट सच में। दी सुन केक हो गया और लाद यार भाई, मुझे केक इतना टेस्ट लगता है ना सच में, पूरा केक खा जाता, पर वही शर्म आती ना लोगों के सामने बोलने में, बट मैं यूट्यूब में बोल रहा हूँ। अजू भाई केक कैसे लगता है, पूरा खा जाऊंगा, खत्म कर दिया भाई, एक पाउंड खाना था वो लेके चले। कैसा लगता है केक भाई? भाई मुझे इतना तगड़ा लगता है ना, कोई बर्थडे में मेरे केक ला देना भाई। तो फाइनल गाइस हमारा केक आ चुका है, फटाफट से केक खाते हैं। ए भाई 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 साहब हमारे और केक आ चुका है, एक दे दे यार भाई, इतना टेस्ट हो रहा ना मुझे नहीं पसंद इतना, केक ला देना सच्ची बता रहा हूँ। तो गाइस वैसे ना जो बर्थडे है जीजू का उसके लिए 2-3 घंटे रह रखे, बट हमने एडवांस में इसलिए मनाया कि जीजू को कल जाना है ड्यूटी पे। तो गाइस हमारे लिए और केक आ गया भाई, 3 बारी का केक खा लिया हमने, 3 बारी का केक खा लेगा सबने, और अभी और आ चुका हमारे लिए फटाफट से। अजय बराबर बराबर होना चाहिए, देख लो बराबर बराबर होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अजू भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ भाई मेरे मिल ले मिल ले, तो गाइस हमारा खाना आ चुका है और आज का डिनर हम यही करेंगे क्योंकि हमें टाइम लग जाता ना घर जाने में और फिर बनाने में, तो यही कर रहे हैं। आज हम डिनर कर रहे हैं अपने जीजू के साथ, अज्जू भैया और रॉबिन। तो गाइस बर्थडे मना के हमें भगाया जा रहा है मेगा दी द्वारा, 11 बज गए हैं, 12 बजे तुम्हारे घर बोलती जा रही है भागो 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 देखा, मतलब हमको भगा रही है हम तीनों का, मतलब ही नहीं है भाई, मतलब तो निकालना पड़ता है। फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं, तो चलो अज्जू भैया, ज्यादा बेस के में अच्छी नहीं लगती। तो इतने ठंडे में अज्जू भैया के जूते पूरे भीग रखे हैं भाई, सच्ची कितना ठंडा लग रहा होगा आर्मी वाले।
चले कौन बने आ रहे वाला अंजू भाई नॉट इंटरेस्टेड अब सरकारी नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है भाई वो अब आर्मी नहीं है अग्निवीर है तो हम यहाँ से निकल रहे हैं और हेलमेट अभी उतारता हूँ आगे और हमको छोड़ने के कितने सारे लोग आए हैं बाय 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 ऊपर भी देखो ऊपर बॉयस ऊपर ऊपर वन फैन फैन बोलने के लिए थैंक यू वेलकम यू तो हम यहाँ से निकल रहे हैं और ये वाला व्लॉग स्टार्ट करते हैं माता मंदिर रोड पे तो बॉयस हम रूम पे पहुँच गए हैं और बाहर इतना ठंडा रहा ना कसम से चुटकी जम गया और मेरे पास तो हिम्मत नहीं है यार व्लॉगिंग करने की अब सीधा सोने जाते हैं हाथ तो भाई जाम हो चुके हैं अजी भैया ठंड कैसी दे रहा तुम की ठंड तो बहुत सही है पर मुझे नहीं लगी भाई ने सिंगल वो पहना था और मैंने देखो जैकेट भी पहन रखा वो भी फर वाला है देखे और स्वेटर भी पहनी है अब भाई ने देखो टी शर्ट मतलब मेरे को ज़्यादा ठंड लगी वैसे रॉबिन ने भी डबल पहन रखा ठंडा तो बहुत है यार कोहरा लग रहा था तो पूरा तो बहुत है लेकिन भाई गरम है ना फाड़ भाई अपना डबल नहीं सिंगल खुद एक दो भाई मेरे टी शर्ट तू मेरे विंसेटर देख ले एक बार एक मिनट रुक ले विंसेटर देख तो अब इसे गरम है गरम नहीं है टी शर्ट देख लो सेम है वो गरम नहीं है विंसेटर है बॉयज अब मेरा बस करनी है व्लॉगिंग करना सीधा जाते हैं सोना है और इस व्लॉग को बस यहीं एंड करते हैं और आई होप आपको जीजू के बर्थडे का व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और फिर से अपने जीजू को हैप्पी बर्थडे जीजू इस व्लॉग बस यहीं पे एंड करते हैं व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय टेक केयर